राष्ट्रीय मानवाधिकार के स्पेशल मॉनिटर बालकृष्ण गोयल आज दुर्ग जिले पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले दुर्ग जिले में विभिन्न थानों का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के बाद वे स्वामी आत्मानंद स्कूल दीपक नगर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के बीच कुछ समय बिताया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। उसके बाद वे पुलगांव स्थित वृद्धाश्रम एवं बाल आश्रम गए, जहां उन्होंने हर चीज की जानकारी ली। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम के स्पेशल मॉनिटर 6 दिवसीय दौरे पर आज दुर्ग जिले में सुबह से पहुंचे हैं और विभिन्न जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं, और जहां उन्हें आवश्यक गाइडलाइन के तहत कुछ कमियां मिल रही है, वे उसे सुधारने के लिए दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। और वे अगले 5 दिनों और अपने छत्तीसगढ़ प्रवास में विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। देखिए, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली की तरफ से यहाँ पहुँचा हूँ। मुख्य रूप से हमें ये देखना रहता है कि किसी भी स्तर पे मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हम देखते हैं कि किसी भी तरीके से सभी के अधिकारों का हनन हो रहा है, या जिला स्तर पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी मैं इस समय खड़ा हूँ, इससे पहले मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल चेक किया है मैंने, तो यहाँ पे बहुत सारी हमें कमियाँ दिखाई दी हैं, जिनको अभी मैं बैठ के विस्तृत रूप से बैठक में समझने की कोशिश करूँगा कि स्टाफ की कमी है या किसी और वजह से ऐसे है। और मुझे बताया गया है कि कल ही जो यहाँ के अधिकारी हैं वो रिटायर हुए हैं, तो आज ही जो है सुप्रिटेंडेंट साहब ने चार्ज लिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो अभी मुझे नहीं बता पा रहे। तो कुल मिला के यहाँ की जो व्यवस्था है उसको ये देखने की ज़रूरत थी कि हम वरिष्ठ जनों के लिए क्या कर रहे हैं। मेरा आने का मुख्य रूप से कारण ये था कि मैं वरिष्ठ जनों के लिए अस्पताल में क्या सुविधाएं मिल रही हैं उनको देखूं। इसके अलावा जो बच्चे हैं हमारे 18 से नीचे वाले, उनके लिए क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं, उनके अधिकारों का कहीं हनन तो नहीं हो रहा। तो अभी तक जितनी जानकारी मुझे मिली, जितना मैंने अस्पताल को देखा, तो ये समझ आया कि हमें यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन एक और चाहिए, उसकी बेहद कमी है। मरीज़ दूर से आते हैं तो उनको समय पर सोनोग्राफी नहीं मिलेगी, तो दोबारा आने के लिए उनको कष्ट होता है। उसके लिए मैं अपनी रिपोर्ट में इस बात को अंकित करूंगा कि यहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन जो है वो है। दूसरा, खाने की व्यवस्था हमने देखी, तो किचन जो है जहाँ पे खाना बनता है उसके स्टोर में बेहद कमियाँ हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।